गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो गाइज आज बहुत ही एक्साइटिंग डे है। आज हम लोग लाइव आने वाले हैं, मतलब स्पेशली बच्चे लाइव आने वाले हैं NDTV इंडिया पर। और अब ये अभी सो रहे हैं, हमने 11 बजे लाइव आना है। और ये मैडम भी उठ रही हैं, अभी उठ रही नहीं रही हैं, और ये मैडम भी सो रही हैं। हेलो नान्या, कैन यू प्लीज गेट अप, टाइम हो रहा है, हमने रेडी होना है। और ये मैडम शनाया उठती हुई, शनाया कैन यू प्लीज गेट अप। ओके शनाया उठ रही है, सियान उठ जाओ भाई, NDTV वाले वेट कर रहे हैं तुम्हारी। अनान्या मैडम, तो गाइस आज हमने आना है लाइव NDTV इंडिया पर। A few moments later. तो गाइस ये फर्स्ट टाइम होने वाला है हमारा ऐसा लाइव किसी न्यूज चैनल पे, तो हम भी एक्साइटेड हैं, हमें पता भी नहीं है गाइस। तो वी नीड योर विशेस कि सब सही हो जाए। आर यू एक्साइटेड? यस। आर यू रेडी? नो। नो, शी इज एक्साइटेड बट शी इज नॉट रेडी। तो मजा आने वाला है गाइस, बने रहना पूरा, हम आपको दिखाने वाले हैं। तो फाइनली गाइस आ गई हैं, तो क्या प्लान है? आर यू एक्साइटेड टू? आई एम सो एक्साइटेड मैन, दिस इज द फर्स्ट टाइम। यस, फर्स्ट टाइम। चलो 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 जल्दी तैयार कराओ भाई। जाओ जाओ जाओ। अनन्या, जैसे कि आज हमारी मॉर्निंग बहुत जल्दी हो गई है सब लोग जल्दी उठ गए छुट्टी वाले दिन। हमारा एक सेटअप लग चुका है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाइज इनकी ट्रेनिंग चल रही है NDTV वालों से। NDTV वाले ट्रेन कर रहे हैं कि हम कैसे क्या क्या ये सारा सेटअप करेंगे। गाइज अभी टेस्टिंग चल रही है। हम म्यूट नहीं कर सकते, हम म्यूट नहीं कर सकते, म्यूट नहीं कर सकते। अभी उन्होंने मना किया, आप म्यूट नहीं करोगे। So guys, are you excited? I am so excited, guys. NDTV live in a house. बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है। Thank you, guys. I can't believe it. A few moments later. 18 साल का होने से पहले ही वो नाम और शोहरत कमा रहे हैं। आपका परिचय यहाँ पर करवा देते हैं। कोचर भाई बहन, कोचर सिबलिंग जिन्हें हम कह रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अनन्या है, शनाया है, सियान है। अनन्या की उम्र 10 साल की है, शनाया की 8 साल की, और सियान मात्र 6 साल के हैं। तो सियान, सबसे पहला सवाल आपका आपके लिए है, आप 6 साल के हैं, मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि आप क्या करते हैं। मैं 29 साल का हूँ, मुझे एक्सप्लेन कीजिए आप करते क्या है। मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं इंस्टाग्राम के ऊपर हूँ। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सियान सिंह 13 13 13। ओके, तो इंस्टाग्राम जो है वो 13 साल से कम उम्र के जो यूजर्स हैं उन्हें अलाउ नहीं करता है, तो उनके लिए उनके पेरेंट्स उनका अकाउंट हैंडल करते हैं। और वहीं कई ऐसे रूल्स हैं जिससे जो टीनेजर्स उनके लिए सेफ स्पेस नहीं बन पाए इंस्टाग्राम। तो ऐसे में जो तीन भाई बहन आपके सामने हैं, उनके माता पिता उनका अकाउंट को जो है वो रन करते हैं। अनन्या, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा, जो फेम है वो पाकर आपको कैसा लगता है? जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, जब आप बाहर शॉपिंग के लिए जाते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा लगता है? आप मात्र 10 साल की हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारे से आके मिलता है, हमारे बारे में अच्छा बोलता है। एंड आई लव कि वो फोटो खिंचवाते हैं हमारे साथ आके। लाइक जैसे आपको पता है मैं इन्फ्लुएंसर है, सो या सराय आप बताइए कि इन्फ्लुएंसर इस शब्द का आपके लिए क्या मतलब है, क्या समझती हैं आप? मींस लाइक हम इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हैं। एंड अच्छा अच्छा, इनके बातों में कुछ भी बाद में बात करेंगे, लेकिन अगला सवाल भी मेरा शनाया से ही है। आप बताइए, जब आप जो भी एक्टिंग करती हैं, लिप सिंक करती हैं, वो किसी ने सिखाया है या आप जब से पैदा हुई तब से कर रही हैं? नहीं, मैं खुद ही करती हूँ, मेरे किसी ने सिखाया नहीं है। और सियान, आप 6 साल के हैं सर, आप बताइए आपको किसने सिखाया ये?
पापा मम्मा। पापा मम्मा वो भी एक्टिंग करते हैं? यस जी। इनका पूरा परिवार जो है उनका यूट्यूब पर भी काफी बड़ा सब्सक्राइबर बेस है। हमने एक शेड्यूल बनाया हुआ है, तो सुबह हम अपनी सारी स्टडीज खत्म कर लेते हैं एंड फिर शाम को जब हमारी ट्यूशन क्लास होती है ओनली 2 आवर्स, फिर हम वीक में ओनली 4 टाइम शूट करते हैं ओनली फॉर 2 आवर्स अगेन, तो उस हिसाब से पढ़ाई का भी टाइम निकल जाता है। जब शूट नहीं करते तब नहीं भी चले जाते हैं। तीनों भाई बहनों में फुटेज को लेकर लड़ाई तो नहीं होती कि वीडियो में उसको पार्ट ज्यादा मिल गया मुझे नहीं मिला? कभी कभी होती है वो भी। जो कंटेंट है फैमिली कंटेंट रहता है, बिल्कुल क्लीन कंटेंट रहता है, एंटरटेनमेंट कंटेंट रहता है, तो बाय गॉड्स ग्रेस हम लोगों को ऐसे कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते हैं। सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत थैंकफुल हैं। कि जो हेट आती है उसके बारे में, अब जो फेम है, जो अच्छी चीजें हैं, वो भी बच्चों के पास बहुत जल्दी आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि, मैं मदर से पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कि उसका कुछ जो नुकसान है वो उनकी मानसिक स्थिति पर हो सकता है जो इतनी जल्दी फेम और पॉपुलैरिटी उन्हें मिलती है? सो वी काइंड ऑफ गाइड देम मोस्ट ऑफ द टाइम कि बेटा टेक इट इन द पॉजिटिव वे, बस हम बिल्कुल वी डोंट टेक इट टू अवर हेड, यू नो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। Yes. एक पैंडेमिक की बात कर लेते हैं, रमनीक जी आप बताइए कि क्योंकि आपके बहुत सारा कंटेंट जो है ट्रैवल रिलेटेड होता है, आउटडोर भी होता है, पैंडेमिक में वो सब रिस्ट्रिक्ट हो गया होता है, तो क्या उससे उसका असर आया है कुछ आपके कंटेंट पर, वीडियोस पर, बच्चों पर? नहीं बिल्कुल असर आया है, लेकिन जैसे अडैप्टिव होते हैं, एवरी ह्यूमन इज अडैप्टिव, एवरी कंडीशन इज अडैप्टिव, तो जो ऑडियंस है मेरे को लगता है वो भी अडैप्टिव हो गई है, उनको पता है कि आउटडोर कंटेंट अब कम मिलेगा, तो ऑब्वियसली अब हम इतना बाहर नहीं जा सकते और अब इतना कोलैबोरेट भी नहीं कर सकते कि बाकी और क्रिएटर्स के साथ हम कोलैबोरेट करके बहुत वीडियोस बनाते थे, अब वो भी बंद हो गया है, तो फाइनली फैमिली है, सिर्फ हम उन्हीं को ही बीच में अपने वीडियो में ले सकते हैं, बट लेकिन इसमें एज सच कोई दिक्कत नहीं हुई है। इनफैक्ट जब से ये लॉकडाउन बढ़ा है, लॉकडाउन लगा है, व्यूज बहुत बढ़ गए हैं, सब लोग वेले घर पे बैठे हैं, तो गाइस फाइनली हमारा फाइनली हम लोगों का ये वाला जो एक बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है गाइज, थैंक यू सो मच हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, हम लोग बहुत खुश हैं आज। हम लोग मतलब आपने देखा ही है अभी, जैसे आपने सारी क्लिपिंग्स देखी हैं, तो इतना मज़ा आया हमें आपको बता नहीं सकते। और भी अभी आज के दिन में और भी हम कुछ कुछ करने वाले हैं, हम क्या क्या करने वाले हैं वो आपको दिखाएंगे हम थोड़ी देर में। Guys, this calls for a celebration today. Yes, celebration. And most important, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? आपकी वजह से हो रहा है। So thank you is just a small word, guys. Keep supporting, keep loving. We love you all. तो गाइस माता पिता की इज्जत करना, भाई बहन को प्यार करना और हमारे वीडियोस देखते रहना। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अपने बच्चों में भेदभाव Part 2 लाइव हो चुका है हमारे चैनल रमनीक सिंह 1313 पे। भेदभाव बच्चों में नहीं करते हैं, वीडियो लिंक के लिए क्लिक 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 क